specific na ho, yehi to log hai employee aur jo self employee hote hain jo akele hi kama rahe hote hain apni income se. Tab jab wo apne kaam pe jayenge tab tak paisa kamayenge, kaam pe nahi jayenge to paisa nahi kamayenge. To mera jo goal hai wo hai active income se passive income ki taraf chalna aur apne family ko ek security for generation dena. Aaj mera package jaise unhone bataya bucha hai lakhon mein chal rahi hai wo matter nahi karta, but wo salary sirf meri wajah se. ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ तो क्या वो सैलरी आएगी? चाहे वो लाखों की है, चाहे वो हजारों की है. सर यूट्यूब पे ऐसी चीज़ सिक्योरिटी फॉर जनरेशन चाहिए अपनी फैमिली के लिए, जो मेरे जाने के बाद भी मेरे घर में पैसा आता रहे. तो ये मेरा इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा रीजन है. इस बिजनेस में जब मैं आया इस गोल के साथ आया, बट यहाँ पे आने के बाद देखा मेरा सोशल लाइफ बहुत अच्छा बन गया. मेरे पुराने दोस्त जैसे अंकुर जी हैं, मैं मतलब बचपन से इनके साथ खेला हूँ बड़ा हूँ, और उसके बाद ये अपनी जॉब में, मैं अपनी जॉब में, और जब इस बिजनेस में आए तो मेरे को इनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, जो हम पिछले लगभग 12-13 साल से कनेक्टेड ही हैं. और एक एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी हुआ हमारा कनेक्ट होने की वजह से. इनके रिलेशन में कोई लड़की थी, हमारे रिलेशन में कोई लड़का था, तो उनकी ऐसा कनेक्ट बना कि उनकी शादी भी हो गई. तो ये बिजनेस पैसे के अलावा बहुत कुछ देता है. एक जोड़ा बाहर भी बना लिया. ठीक है, वो भी हमारे बिजनेस के एसोसिएट हैं ऑलरेडी, तो गोवा में वो रहते हैं और गोवा में टीम बनती है हमारे. तो पैसे के अलावा बहुत कुछ है यहाँ. मैंने आज तक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिंगल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस नहीं किया, चाहे वो सेमिनार हो, बूट कैंप हो, आउट स्टेशन ट्रिप हो, सक्सेस डे इवॉल्व का प्रोग्राम हो, सबको मैंने ज्वाइन किया, अटेंड किया और बहुत कुछ सीखा. लोग यहाँ पे आने के बाद सोचते हैं कि हम सेमिनार में क्यों जाएं, हम इवॉल्व इंडिया में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्यों जाएं, करते हैं ना, बट वहाँ से हमें सीखने को मिलता है. हम 15-16 साल लगा देते हैं ग्रेजुएशन करने, नहीं लगाते. कितना पैसा लगता है वहाँ पे, कोई काउंट करने बैठे तो हालत खराब हो जाएगी. और यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों को मिलता है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर मिलता है काम करने का. तो बहुत बहुत अच्छी कंपनी है, 17 साल पुरानी कंपनी है, और पिछले 1.5-2 साल में मैंने इसको बहुत अच्छे से जांच परख लिया, बहुत क्लोजली मैंने इसको देखा है. सभी लीडर्स जो इन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं उन सबसे मिल भी चुका हूँ. सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं और वो सब इनकम कमा रहे हैं. तब तक आप देखोगे नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे. जब आप बिजनेस में आओगे तो आपको देखने का भी मौका मिलेगा, जाँचने परखने का भी मौका. अच्छे प्रोफाइल, इतने अच्छे पैकेज में होने के दर्शन के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर प्रोफाइल, हर बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर रहे हैं. जोरदार तालियां विनीत मित्तल सर के लिए. हमारे यहाँ पे एक बहुत डायनेमिक लीडर जो बल है यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनको भी स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ. और उनको बुलाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन करता है, स्पेशली जब हम हाउस वाइफ की बात करते हैं, लेडी जब बिजनेस को ज्वाइन करती है तो उनके मन में ये आता है कि यार मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास बड़ा जिम्मेदारी है, मैं कैसे करके इस बिजनेस को कर पाऊंगी. उन्होंने इस बात को प्रूव किया, वुमेन एम्पावरमेंट का लाइव एग्जाम्पल है मेरे लिए, मुझे इंस्पायर करती है. और आज तक कोई भी एनिटी हो, कोई भी सेमिनार हो, कोई भी फंक्शन हो, उन्होंने फुल डिवोशन के साथ उसको अटेंड किया है. उन्होंने मौसम नहीं देखा काम करने का, उन्होंने रीजन देखा इस बिजनेस को क्यों करना है. मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां मैं सुनता हूँ. जॉब्स की उसके बाद शादी हो गई, तो बहुत अच्छा घर भी रहा और अच्छे हस्बैंड
और वही चीज़ आपको फील कर रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ वर्किंग नहीं है बहुत ऑफ कंट्री है और कम से कम जैसे 7-8 साल हो गए हमको वहाँ रहते हैं मेरे दो बच्चे और मैं यहाँ के लिए फिर से वही वाला एक समय आ गया जो मेरा बचपन में बताया था लेकिन खालीपन को दूर करने के लिए बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया सिल्वर भी बन गई तब तक भी कोई रीज़न नहीं फिर समझाया कि संजय गुप्ता सर जो यहाँ पर बैठे हुए इनकम कर रहे हैं 1-4 करोड़ की इनकम वो करते हैं साल की और मेरे अभी पूरी फैमिली से दूर है सेकेंड रीज़न यही था कि अगर वो वहाँ इतनी दूर है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अगर फैमिली पूरी नहीं है ना उस तरीके से कि बच्चे बिना फादर के यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं मैं भी बिना सर्वाइव कर रही हूँ लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मुझे एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि हाँ शायद यही रीज़न है जिसके लिए मुझे इस बिज़नेस को और अच्छे से करना चाहिए रीज़न पहले क्लियर नहीं था लेकिन इसमें आने के बाद रीज़न और स्ट्रांग होता चलिया और आज मैं इस बिज़नेस को एज ए करियर ले रही हूँ और आज पर लेवल 510 की मेरी टीम हो चुकी है एज अ हाउसवाइफ और कॉन्फिडेंस बढ़ते 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 आज मैं डिक्लेयर कर रही हूँ मेरे हस्बैंड तो हो गया कि वो नेक्स्ट अभी ये जून में बैंगलोर आ रहे हैं और हम दोनों मिलकर फिर से करते हैं ये ना सोचिए अगर मैं हाउस वाइफ होती हूँ ये बिजनेस कर सकती हूँ और मीरा जी जैसी लेडी अपने परिवार में मतलब साथ में हस्बैंड ना होते हुए इतने गोल्ड लेवल पे आ सकती हैं और हम लेवल पे जा सकते हैं तो आप में से कोई भी ये बिजनेस कर सकता है और आगे बढ़ सकता है डेडिकेशन और डिवोशन की शिद्दत के साथ इस बिजनेस को कर रही है 16 साल एक बार मैम जो फील्ड में उतर के एक्चुअली काम करते हैं जब जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो लोग कहते हैं मेरी टीम में सिल्वर है गोल्ड लेवल सुपरवाइज करूंगा चीजें करूंगा लेकिन मैंने उनको देखा हमेशा डेली उनका रूटीन है कि वो सिल्वर को सिल्वर कैसे बनना है वो सिखाने के लिए वो फील्ड में सिल्वर को गोल्ड कैसे बनना है वो उनको सिखा रहे हैं गोल्ड पल कैसे बनेगा पल को आगे कैसे करके लेके जाना है उससे करके साथ काम करते हैं जब आप इस बिजनेस में आएंगे जैसे जॉब और बिजनेस करना आसान नहीं है वैसे इस बिजनेस में भी आपको कई बार परेशानियां आती हैं लेकिन वो लीडर हमारे ऐसे हैं कि हमारे रोड रोलर का काम कर रहे हैं आपने सड़क मंत्री में देखी है ना वो पत्थरीली जो रास्ते हैं वो जो झाड़ियाँ हैं वो इतनी परेशानियाँ हैं जंगल का रास्ता है उसको कैसे करते हैं तो रोड बनाते जाने और हम लोगों को करना क्या है अगर उस रास्ते में बने हुए रास्ते में क्या करना है फॉलो करते जाना है क्योंकि उनका लेवल वहाँ पे है वो जो चीज़ें हम आज फेस कर रहे हैं वो चीज़ें फेस करते करते ना उस लेवल पे वो पहुंचे हैं मैं चाहता हूँ उन शानदार लीडर्स के लिए जोरदार तारी हो जाए दोस्तों बहुत कम सर बोलते हैं और कम शब्दों में अपनी बात को समझाना सर जानते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज ए मैग्नेटिक पर्सनालिटी डायनामिक लीडर आवर टोपाज लीडर मिस्टर जय प्रकाश सर ऑन द स्टेज हमारी दुकान खुलती है तो इनकम आती है दुकान नहीं खुलती तो नहीं आती
जब एक बिजनेस देखा था स्लिप डिस्क को रखा था मेरे को, मैं बेड रेस्ट पे था और उस वक्त ये सोच रहा था कि 15 दिन की अब सैलरी नहीं मिलेगी, तो उस वक्त ये भी सोच रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि एक एक्स्ट्रा इनकम घर पे आए। उसी टाइम मंगल जी द्वारा ये बिजनेस मेरे को बताया गया। शुरुआत में मैंने इस बिजनेस को बहुत लाइटली लिया था, मेरा प्रोफाइल था, मुझे सूट पहनना पड़ता था, मेरे पास 10 पहले से सिले हुए रखे थे, मैंने 3 ID से बिजनेस को स्टार्ट किया, 6 सूट और ले लिए क्योंकि मुझे सबसे कम कॉस्ट से बिजनेस स्टार्ट करना था, मुझे सूटों की सेल